क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या उत्तराखंड में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? ये तो सवाल इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्यों कहा कि वह सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ इस रिपोर्ट में देखिए इन सवालों का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। इन दिनों भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। इसका मतलब है कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों में सहमति नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर बिल लेकर आती है और बिल पास हो जाता है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल एक बार फिर से 5 साल का पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी हैं? क्या सीएम धामी 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसे भी जान लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हिंदुस्तान अखबार का 3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सीएम धामी से सवाल किया गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो क्या वह 3 साल पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो इसके जवाब में सीएम ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, मेरे लिए देश पहले नंबर पर है और पार्टी दूसरे नंबर पर। लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं कितनी हैं? अगर केंद्र सरकार देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने को लेकर सहमति भी बना लेती है, तो क्या उत्तराखंड में 3 साल पहले चुनाव होंगे? तो इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी उत्तराखंड समेत जिन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां लोकसभा तक केवल 2 साल का कार्यकाल पूरा होगा। फिर उत्तराखंड, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में हो सकता है कि यहां 3 साल पहले चुनाव न कराए जाए। अगर यहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो गए तो मोदी सरकार के पास चुनाव कराने को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सीएम धामी कह चुके हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन इलेक्शन चुनाव होंगे तो उत्तराखंड में हो सकता है कि चुनाव हो भी सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएँ जो हैं वो कम हैं और ज़्यादा संभावना है कि चुनाव ना हो। अब इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ और देखते रहिए उत्तराखंड तक।